unsure to upskilled, poverty to empowerment, unemployed to enterprising. The Usha Silai Schools, a humble dream that has turned rural Indian women into a picture of confidence and hope. Within 7 years, with 17,000 Silai schools, spanning over 9,000 Indian villages, the Usha Silai campaign has trained more than 3.5 lakh rural women, building a life of their own. Ogan, one of the most adored multi-designer boutiques in India. A hot spot for fashion lovers and a haven for those that discern prime quality. This Delhi-based apparel store is now home to an adventure called the Usha Silai Label. Channeled through parts of India, Ogan is now a basin that breeds stories from all parts of the country. Stories of struggle, despair, perseverance, and triumph. मैं खेत में काम करती थी पूरे दिन भर धूप में रहती थी ऐसे खर्चे अर्चे कुछ नहीं चलते थे ऐसी हालत खराब थी मेरी बहुत खराब थी लोग तो कहते हैं सब कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं हमने तो पूरे पैर नहीं है तो भी हम चल के ऑटो से हम सिलाई काम सीखने गए In 2011 Usha launched their Silai schools in several villages of India and found local women pulled into a life-changing journey 2013 से उषा सिलाई सेंटर से जुड़ी हुई हूँ वहाँ उषा में 2016 में जुड़ी थी सिलाई हमने दो साल से शुरू की पहले हमने 7 दिन वो बारेजा में ट्रेनिंग में गए थे उसके बाद हमने सिलाई मशीन मिला सिलाई मशीन के बाद हम घर पे काम करते थे और लोगों को सिखाते थे पहले तो गांवों के कपड़े बनाते थे तो इतनी फिनिशिंग से नहीं बनाते थे हम उसके बाद हमने वो 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी वीरेंद्र सर ने उसमें सब सिलाई के बारे में और सब कुछ हमको बताया गया एवरीबडी नोज हाउ टू यूज अ मशीन इन अ बेसिक वे बट इनकॉर्पोरेटिंग अ डिजाइन एलिमेंट इज समथिंग दैट दे लर्न द वुमेन वर अपस्किल्ड एट द उषा सिलाई स्कूल्स बट देयर विल टुक देम टू द रैंप्स ऑफ द लैक्मे फैशन वीक ट्रांसफॉर्मिंग देम फॉरएवर It's led to more awareness, it's led to better learning, more self-confidence. The perception of the community has changed about these women in terms of they are now being looked upon as women with expertise. Their identity is different. Even in the family, they are treated well with more respect. They are seen as earning members and members who are now getting into a profession. And this perception of becoming professionally qualified has changed not only their identity, but I think their status in the community is different. Empowerment through skill and exposure to large fashion platforms has sparked a fire among the Usha women. Turning them into entrepreneurs themselves. पहले मैं सोचती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती लेकिन उषा में जाने के बाद में मेरे को पता चला कि जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे कुछ करे अगर हुनर होगा तो कुछ भी कर सकते हैं और आज उषा की वजह से मेरा इतना नाम हो रहा है जैसे जैसे मेरा प्रचार होने लगा दूर दूर से मेरे पास है और बाहर के भी ऑर्डर आने लगे कि दूर जाके वही सेंटर लगाना है
और कोई कंपनी भी बोलने लगी भाई वहाँ पे सिलाई सिखानी है, तो मैं वहाँ पे भी जाने लगी। मुंबई में जाने से पहले मेरे को डिजाइनिंग वाले कपड़े नहीं आते थे, वहाँ जाने के बाद में यहाँ पे डिजाइन के कपड़े आने लगे और पूछने लगे कि वो डिजाइन के कपड़े सिल दोगे क्या आप, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर बाद में मैंने पैसे भी बढ़ा दिए और डिजाइनिंग के कपड़े भी आने लगे। और पहले कपड़े में इतनी फिनिशिंग नहीं आती थी, अब फिनिशिंग आने लगी। और सीधी सिलाई का पहले पता नहीं था, पहले टेढ़ी मेढ़ी चली जाती थी, अब एकदम सीधी सिलाई करते हैं। और हाथ का काम है तो वो भी सूटों के ऊपर निकाल देते हैं, तो उनके पैसे अलग से मिल जाते हैं। मुंबई जाके आए हमें बहुत अच्छा लगा कि हम, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मुंबई जाऊँ मेहनत करके। मैं संतोष जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं उषा कंपनी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और संतोष जी को ऐसा मानूँ मैं, क्योंकि संतोष जी मुझे सिलाई सिखाई, मेरे को सिलाई ज़्यादा नहीं आती थी। से मुंबई होकर गया है तब से लोग इन आस पास के गांव में इसको भी पहचाने लग गए और मेरे को भी पहचाने लग गए। पहले स्थिति थोड़ी डाउन थी और अब है कि बहुत सुधार है। पहले मैं अकेला कमाता था तो बहुत परेशानी थी घर में, अब इसके कमाने से काफ़ी फर्क पड़ा है हमारे। जब ये कमाने लग गई तो थोड़े पैसे इसने लगाए, थोड़े मैंने लगाए, फिर हम दोनों ने मिलकर दुकान बनाई। उस कमरे की जगह एक कमरा बनाना चाहती हूँ और एक किचन, जो मैंने अभी पैसे कमाए उनसे वो ईंटें खरीद ली। मैं उषा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पास 10 मशीनें रखी है और बाहर से औरतें आती है दूर दूर से और यहाँ पे उषा का प्रोडक्शन चल रहा है। के अलावा मैं पंचायत भवन में जाती हूँ और वहाँ पे 27 मेंबर हैं, मैं उनको सिलाई सिखाती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उनको सिलाई सिखा रही हूँ और वो भी अपना काम करके अपने पैरों पे खड़े हुए। तो ये खुशी की बात है, मैं पूरे दिन भर खेत में काम करती थी तो वहाँ गई एक मॉडल, ये चीज़ें हमें टीवी में देखने को मिलते थे, हम उनके साथ में चले तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। वहाँ तब मैं गई तो ऐसी डरी हुई गई थी, भाई अपन तो खेत में चलते थे, इन मॉडलों के साथ अपन कैसे चलेंगे, अपन ये कैसे कर पाएंगे, पर हम उनके साथ चले तो बहुत खुश हुए और ऐसे कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपन को यहाँ तक मुंबई आने का मौका मिल जाएगा। पहले मैं 2-3 हज़ार रुपये कमाती थी तो उससे न तो बच्चों की फीस टाइम पे जाती थी, न घर का खर्चा अच्छी तरह से चलते, न परिवार की जिम्मेदारियाँ उठा सकती थी। और बाद में मैं बॉम्बे जाने के बाद आके थोड़ा और भी पहचान हो गई मेरी, भाई वहाँ जाके आई तो मार्केट में इधर थोड़ी आमदनी और ज़्यादा बढ़ गई तो मैं अच्छे से कमाने लग गई। 10-15 हज़ार रुपये में मैं निकल कर लेती हूँ तो बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डाल दिया मैंने, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। अब हम नया घर बनाएंगे, अभी तो ऐसे ही है, 2-3 महीने बाद में मैं 2 मंजिल का मकान बनाऊंगी तो नीचे तो सिलाई का रखूंगी, तो मेरे साथ में 10-15 लेडी से बैठ के वो भी काम करे। मैं सुनीता जी को 2 साल से जानती हूँ, उनसे मैंने सिलाई सीखी थी और 1.5 साल से मैं उषा कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। मैं सैटेलाइट स्कूल टीचर हूँ, स्कूल चलाती हूँ अपने घर में
और मैं सुनीता जी को जो बॉम्बे गई ना वो तब से उनके साथ हूँ। मेरी भी इच्छा हुई मैं भी उनके तरह घूमूँ, मेरे भी कपड़े लोगों को पसंद आए। अप्रैल में दिल्ली ओगान में जाने का मौका मिला मुझे, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा जाके। हम लोग फ्लाइट से गए, वहाँ अलग अलग ब्रांड के कपड़े रखे थे, उन्हीं कपड़ों में हमारे भी सिले हुए कपड़े रखे थे, तो मैं देख के बहुत खुशी हुई। वहाँ लोग हमें पहचान रहे थे कि ये गांव में रहने वाली, ढाणियों में रहने वाली लेडीज ये आज यहाँ तक पहुँची। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने गांव की जो लेडीज हैं, तो वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बेचारी क्या करे, उनकी भी तो कोई परेशानी घर घर में ऐसे ही रहती है, तो वो भी मेरी तरह कुछ सिलाई का काम वाम करके आगे बढ़े तो अपना खर्चा चला सके। मैं उषा कंपनी वालों को बार बार धन्यवाद देती हूँ, ऐसे मेरी तरह और भी लेडीज है, उनकी भी इच्छा है, वैसे मैं मेहनत करके वहाँ तक पहुँची, तो और भी लेडीज की इच्छा पूरी हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। The inclusive model of the Usha Silai Schools is empowering women of all kind and abilities. जो सब पैसे हैं वो सब उनको घर में बहुत अच्छा लगता है कि ये काम भी करती है, इतना अच्छा कमाती है और घर पे बैठी नहीं रहती, इसलिए अच्छा है ना। Full of zeal and motivation, the Usha women are fighting against all odds to achieve their dreams. Women strive to improve their lives, and Usha's vision led to the formation of the Usha Silai Label, a premium quality apparel line handcrafted with love and displayed exclusively at Delhi's Ogan. हम तो पहले उन गांव के और यहां का सबका कपड़े बनाते थे और हम फैशन डिजाइनर के साथ करके हम फैशन डिजाइनर के कपड़े बनाने लगे और दिल्ली जाने का भी मौका मिला हमको। इट वॉज वेरी वेरी ग्रेट आई थिंक द काइंड ऑफ क्वालिटी दे हैव अचीव्ड इन इतने कम समय में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट वॉज अ डिफिकल्ट फैब्रिक टू डील विथ, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। हमको ऑर्डर मिला, ऑर्डर उनके पैसे आए तो मेरी बेटी ने दोनों मिला के हमने 50,000 रुपये कमाए। मेरे पैर के वजह से मैं कटिंग नहीं कर पाता सकती, तो वो सब कटिंग करके देती है और मुझे आने जाने में स्कूटी ले ली तो उसको मुझे बिठा के ले जाती है और लाती है। तो पहले ऑर्डर मिला ना उसकी कमाई से हमने वो स्कूटी खरीदी। Essentially, we started this program about a year and a half ago. We worked with IMG Reliance and four designers, and we created a collection which we launched at Lakme Fashion Week in February. And post that, in April, we stocked the collections at Ogan. They very kindly are working with us on this. And it's been quite a success. I mean, people have learned about rural women, Silai school women,
And the earnings, the majority of the earnings go back to the women. So they can earn per garment up to 3,000 rupees. From last year's collection, I think we made a huge headway, huge leap ahead. Last year, the customers had given a lot of good feedback, which we passed on to Usha Silai team, which was further passed on to the rural women. The participation last year in Lakme Fashion Week, they could see a lot there, which they've imbibed and learned. And I think their interaction with the designers also has made them learn about what high fashion is all about. It's an awesome connect between the rural and the urban areas in India, and such a lovely concept which Priyaji through Usha Silai has propagated. I think there's a lot of difference, and a very good difference from what last year. It's always to begin to initiate something. Initially, you have a certain drawbacks, but this time you can see they're well prepared. They know how to do their work. They have done very good job. The women and the designer as a team have worked. It looks like a cohesive, collective teamwork. Thankful for ING and Usha Silai to give this opportunity to us. I think it was a fantastic initiative by ING and Usha, and I really wanted to be a part of it. Like, it's always nice to, like, you know, do something for the our local artisans and, you know, craftsmen and weavers. So I was like really happy to be a part of this project. It's very contemporary, very simplistic, very minimal, and the fabrics are amazing, and the whole story behind it is the best part about it. Each creation by the Usha women comes with an inspiring background story. It is the culmination of years spent battling poverty and handling grief. It is fused with their passion, their faith, and the romanticism of winds beneath their wings, and their affair with fashion.